गुना के वृद्धा आश्रम में वृद्धजनों को सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या के अंतिम दिन में आज पितृपक्ष में दिवगतों की आत्म शांति के लिए तर्पण और पिंडदान किया, जिसमें संगठन दिया एवं द्वार पूर्ण व्यवस्था की गई, जिसमें सहयोग वेक्टर क्लासेज गुना द्वारा किया गया और वेक्टर क्लासेस के बच्चों के द्वारा सभी माताओं और भाइयों को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया और सभी रहवासी वृद्धजनों ने अपने पूर्वजों की आत्म शांति हेतु श्रद्ध तर्पण व पिंडदान संस्कार किया गया। राज नारायण शर्मा ने सभी को सामूहिक सूर्य भगवान के समक्ष पितरों को जलांजलि तर्पण दिलाई गई। उन्होंने बताया कि अपने लिए अर्पण समाज के लिए समर्पण और पितरों के लिए तर्पण मानव जाति का धर्म है। पितरों के स्वजन उसे जो भावनापूर्ण सूर्य भगवान को जलांजलि दी गई उससे उन्हें आत्मिक शांति मिलती है और प्रसन्न होकर उच्च स्थान लोगों को गमन करते हैं। आज पितृ अमावस्या पर श्राद्ध पक्ष जो चल रहा था, अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में गायत्री परिवार दिया संगठन युवा प्रकोष्ठ और विक्टर क्लास के माध्यम से आज यहां पर 26 परिजनों को श्राद्ध पक्ष में पिंडदान और तर्पण कराया। इसका मुख्य उद्देश्य जो वृद्ध आश्रम में जो परिजन रहते हैं उनके जो परिजन हैं, जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, उनको पिंडदान की व्यवस्था दिया संगठन गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ कई वर्षों से करता रहा। इसी संदर्भ में आज कैंट में वृद्ध आश्रम जो नवीन भवन है उसमें यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें सभी पधारे हमारे विक्टर क्लासेस के बच्चे छात्र छात्रा और हमारे युवा प्रकोष्ठ दिया संगठन और गायत्री परिजन समस्त भाई बहनों का गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ एवं दिया संगठन के द्वारा उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। गुना से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट।